सत पूजे शीश नवार, ऋषि केश में जिनका मंदिर अति भव है रहा दिखा, दरवाजे पे नंद खड़ा है निस दिन पहरा रहा लगा, स्नान करे तर जाए मस्तक पे चंद्रमा विराजे, जो की शीतलता बरसाए नीलकंठ के तीन नेत्र हैं, तीज में सैकड़ों सूर्य समाए, तीज नेत्र यदि खोल दिए तो कंठ है नाम कहा, गले बास की नाग विराजे, नागों का राजा कहलाए, भस्म लपेटे सभी अंग में, रूप चतुर्भुज रहा दिखाए, तिरछुल डमरू हाथ विराजे, कर में कमंडल लिए उठाए, चौथा कर बर मुद्रा धारी, भक्तों पे आशीष बरसाए, वस्त्र खाल पाघंबर शोभे, ऋषि केश में धूनी रमा, शीश गंगा अर्धंग उमा है, शीश गंगा अर्धंग उमा है, श्री गणेश बैठे सिरनाए, भूत प्रेत सभी दूत हैं जिनके, देवों के देव महादेव कहा, देव संग दानव भी पूजे, सभी कहते ओम नमः शिवाय, देवता और दानव के बीच में युद्ध निरंतर होता जाए, छोटी सी भी बात पे दोनों आपस में जाते टकरा, युद्ध बड़ा भयंकर होता, दोनों ही युद्ध में मारे जाए, बहुत ही काफी सेना मरती, सोचिए इसके लिए उपाय, यदि कहीं अमृत मिल जाए, दोनों ही ना मरने पाए, शिव शंभु के पास में दोनों, देवता संग राक्षस भी आए, अपनी बथा सुनाए उनसे, भोले जी करो कोई उपाय, जिससे हम दोनों मर ना पाए, युद्ध से क्षति न होने पाए, देवता संग असुरों की बातें सुन के भोले जी मुस्काए, बोले क्यों तुम दोनों लड़ते, अपनी सीमा लो बनवा, एक दूसरे में कोई न जाए, कभी युद्ध ना होने पाए, सुनकर शंकर जी की बातें विष्णु जी बोले मुस्का, युद्ध तो ये होता ही रहेगा, कोई इसको रोक न पाए, कोई भी ना मरने पाए, शंभु कीजिए कोई उपाय, सुर असुरों की बातें सुन के, सुन लो ध्यान लगा, अमृत मिले समुद्र के तल में, जिसको कोई खोज न पाए, समुद्र का जब करोगे मंथन, तभी वो अमृत बाहर आए, जो भी अमृत को पिएगा, जीवन उसका अमर हो जाए, समुद्र मंथन की तैयारी, देव असुर दोनों करने आए,
विशाल समुंदर है ये, किसकी हम मथनी बना देवता दानव दोनों मिलके। सोच रहे थे यही उपाय, मथुरा चल को मथनी बनाओ, दूजा नहीं है कोई उपाय, मथुरा चल तो बहुत बड़ा है। मंदरा चल को मथनी बनाए, बढ़ गई चिंता दोनों दल की, कौन जाके मंदरा चल लाए, आने खड़ी है बड़ी समस्या, कोई ना तैयार हो पाए। इसी बीच में गरुड़ जी बोले, श्री हरि जी की सवारी कहाँ, मैं लाऊंगा मंदरा चल को, मुझको कोई रोक न पाए। मंदरा चल की बात ही क्या है, सारे पर्वत को दूला मेरे स्वामी विष्णु यदि बोले, पल में दू मैं प्रलय मचाए, विष्णु जी आदेश दिए हैं। गरुड़ जी बोले हैं मुस्का, जाओ मंदरा चल को लाओ। देखे तो डर जाए, उड़ के चले हैं नील गगन में, सिर विष्णु का ध्यान लगाए, राह में जो भी गरुड़ के आए, टकरा करके चूर हो जाए, बड़े विशाल पंख थे उनके, तेज गति से उड़ते जाए, मीनाक पर्वत रोका रास्ता, हिमालय का पुत्र कहा, बहुत ही बलशाली पर्वत था। बोला गरुड़ से क्रोध में आए, कहां जा रहे हो तुम बोलो, नष्ट प्रकृति को करता जाए, कितने ही वृक्ष उखाड़ के फेंके, पर्वत को दिए धूल मिलाए, अब आगे नहीं जा सकते तुम। मुझको कोई रोक न पाए, मैंने सुना गरुड़ की बातें, गुस्सा उसका शांत हुआ, बोला जब हरि का आदेश है, इसको टाल में सकता ना, हे गरुड़ तुम शीघ्र ही जाओ, मेरी चूक क्षमा हो जाए, मैं भी श्री हरि का भक्त हूँ। मैनक बोले हैं मुस्काए, राह छोड़ दिए हैं गरुड़ का, गरुड़ जी मंदरा चल पे आए, गरुड़ जी बैठे मंदरा चल पे। चोच में लिए गरुड़ उठा, चले उठा के मंदरा चल को, नील गगन में उड़ते जाए, सुरासुरों के पास में आए, गरुड़ जी मंदरा चल को ला, देवता दानव दोनों ही खुश थे, शिव जी देख रहे मुस्कान, पड़ी फिर एक समस्या, ए मंदरा चल कहाँ रखा, इसका भार अब कौन सहेगा, बीच समुंदर तल में जा, किसके ऊपर रखा जाएगा, जो तैयार हो सामने आ, देख के ऐसी विकट समस्या, श्री हरि विष्णु रहे मुस्का, कच्छप रूप किए हैं धार।
हो पाए पूछ की तरफ देवता पकड़े असुर मुंह के तरफ में आए शुरू हुआ है समुद्र का मंथन। कुछ भी हासिल ना हो पाए लगातार मथते जाते हैं 14 रतन निकल कर आए जिसमें कालकूट विष निकला साथ में अमृत गया है विष पिए उसे मिलेगा अमृत। देवता दिए हैं शर्त लगाए कालकूट विष अति भयंकर जो पिए बचने ना पाए जैसे ही निकला है जीव जंतु सभी रहे चिल्लाए विष हवा में घुल रहा है हवा के जो संपर्क में आए विष का उस पर असर हो जाता वो प्राणी बचने ना पाए हाहाकार मच तीनों लोक में। पौधे भी रहे मुरझाए कौन पिए विष अति भयंकर गई समस्या सामने आए अमृत को तैयार सभी थे विष पीने कोई ना आए भीषण समस्या खड़ी हुई है। देवता असुर सभी घबराए एक एक करके मरने लगे हैं सूझ रहा ना कोई उपाय के सबकी परेशानी को शिव शंकर प्रभु सामने आए कालकूट विष उठा लिए हैं। नंदी देख गया घबराए कौन रोकेगा मेरे प्रभु को मन में सोच रहा है उपाय यदि विष प्रभु पी जाएंगे। पिए तो मर जाए मेरा कहना न माने शिव जी हम कैसे अब जान बचाए। नंदी तेज से दौड़ लगाया नंदी गया कैलाश पे आए माता पार्वती से बोला माता सुनिए ध्यान लगाए कालकूट प्रभु शिव शंकर अपने हाथ में लिए उठा यथा शीघ्र मेरे साथ में चलिए विष पी ले तो बच नहीं पाए पार्वती माँ किसी तरह से रोकिए शिव शंभु को जाए। पार्वती ने बात सुनी तो मन ही मन में रही घबराए बैठ गई है माँ नंदी पे। पार्वती को लाए पार्वती के जाते जाते शिवजी विष को मुंह से लगाए विष पीते देखी पार्वती तो दी है शिव का गला दबा विष फंसा है गले में जाके रोका पार्वती ने जाए गले से नीचे जो विष उतरा शिव शंभु ना बचने पाए सुरासुर दोनों भय के मारे देख के दिश रहे थर्राए आँख लाल है पार्वती की आँखें आगो गलती जाए कंठ पे विश्व को रोकी माता अपने पति को लिया बचा नीला पड़ा है कंठ शिव का।
का, नीलकंठ महादेव का है विश्व प्रभाव छोड़ रहा है अपना। तन में गर्मी दिया बनाया अति भयंकर विष की गर्मी, शिव से सहन न होने पाए कैसे शांत हो शिव की गर्मी। सोच रहे थे सभी उपाय सावन में विष पान किए शिव, सारे जग को लिए बचाए फूट पड़ी गंगा की धारा। शिव के तन पे बहती जाए शिव की गर्मी शांत करन को, देवता लोग बेलपत्र चढ़ाए जिसका गुण शीतल होता है। उसे देवता रहे चढ़ाए शीतल चंदा भी आए हैं। शीतल चंदा भी आए हैं शिव मस्तक पे लिए लगाए, फिर भी गर्मी न शांत हो पाए। गंगा जल कोई दूध चढ़ाए पार्वती का हाल न पूछो, पार्वती माँ गई घबराए बेचैनी में शिव शंकर जी। नंदी आंसू रहा बहाए सारे देवता चिंतित हो गए, मेघ रहा बारिश बरसाए गंगा जल ले सभी देवता। शिव के ऊपर रहे चढ़ाए बैद्यनाथ जो खुद कहलाते, उनकी दबाव कौन कराए चढ़ा रहे सभी भांग धतूरा। शायद शिव जी ठीक हो जाए सावन में विष और चढ़ता, विष पी ले वो बच नहीं पाए विष बढ़ाने वाला महीना। के दृश्य गए घबरा अग्नि बाण गले पे मारे, शिव के विष को दिए जलाए दूर हुई शिव की बेचैनी। सिर हरि देख रहे मुस्काए खतरे से बाहर हुए शिव जी। देवदानव सारे हर साल किए स्थापित शिवलिंग को, सूर असुर दोनों पूजने आए पार्वती संग में शिव शंकर। शिवलिंग में है गए समाए नीलकंठेश्वर धाम बना है, जिसकी शोभा वर्णी जाए मणिकुट पर्वत पे यहाँ शिव जी। नगरी शीतल दिए बना यहाँ पे शिव ने विष को पिया था। इसमें सारे भक्त नहा जिसको भी शत्रु का भय है, नीलकंठ के पास में जाए शत्रु के भय से मुक्ति दिलाते। बोलो ओम नमो नीलकंठ पावन मंत्र है नीलकंठ का, जो भी मंत्र को जपता जाए शत्रु खुद ही नष्ट हो जाते। कृपा नीलकंठ की पाए जंतर मंतर असर न करता, नीलकंठ देते हैं मिटाए तंत्र मंत्र से रक्षा करते। भक्तों पे होते हैं सहाय मंदिर में ही एक वृक्ष है, जो कि पंचपड़ी कहलाए शिव जी ने तप किया यहाँ पर। भस्म धुनि का प्रसाद कहा जिसे लोग ले जाते घर में, जिससे मन्नत पूर्ण हो जाए पूर्ण होते मन्नत फिर आते। यहाँ भक्त त्रिशूल चढ़ाए सबकी मन्नत पूरी होती,
सब सारे देव गए हरसा, नीलकंठ खुद ही शिवलिंग को यहाँ पे स्थापित करवाया। अति प्राचीन यहाँ का मंदिर, सही समय कोई बता न पाया। यहाँ पे शिव जी पार्वती संग भीषण तपस्या किए हैं, जाए हजारों वर्ष किए हैं तपस्या। जिसका वर्णन किया न जाए, तब से शिव जी विष मुक्त हुए। देख के पार्वती मुस्काए, पावन धाम यहाँ पे बनाए। देवता सब दर्शन को आए, असुर भी दर्शन करने आए। नीलकंठ पावन धाम कहाँ है, तोड़ तपस्या पार्वती संग। यहाँ से शिव कैलाश पे आए, नीलकंठ का दर्शन करके असुर सुर दोनों हर्षा। यहाँ पे जो भी दर्शन करता, मनोकामना पूर्ण हो जाए। कैलाश रिकॉर्ड कथा को इसमें